हेलो बॉन्जोर नमस्ते सत श्री अकाल आदाब माय नेम इज अभिषेक जाधव एंड यू गाइस आर वाचिंग लॉस्ट इंडियन। तो बेसिकली आज हम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलने वाले, और अगर आप कनाडा में फेल हो जाते हो तो आपको क्या क्या प्रोसीजर और क्या क्या चीजों से सफर करना पड़ता है उसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली आपने इसको देखा होगा मेरे पहले वाले ब्लॉग में, जब भी मैं नायगरा कॉलेज के स्टूडेंट का ब्लॉग बना था उसमें आपने इसको देखा होगा। शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ नायगरा कॉलेज और अभी यहाँ पे आई है। तो इसके लास्ट सेमेस्टर में कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जिसके वजह से ये कनाडा में एक कोर्स में फेल हो गई। तो अगर आप कनाडा में एक कोर्स में फेल होते तो उसके प्रॉज एज वेल एज कॉन्स क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर करें आप ये वाली वीडियो जरूर एंड तक देखना। कनाडा में आपका नायगरा कॉलेज में कौन सा कोर्स है और लाइक कौन से सब्जेक्ट में आप फेल हो गए जिसकी वजह से इतनी सारी लंबी प्रोसेस हो गई थी उसके बारे में थोड़ा मुझे इंट्रोडक्शन बता दो एज वेल एज रिव्यूअर्स को। या सो गाइस, मैं फ्रैंकी क्रिश्चियन हूँ और मैं नायगरा कॉलेज की स्टूडेंट हूँ एंड मेरा कोर्स था एनवायरमेंटल टेक्नीशियन एंड ये 2 इयर्स का कोर्स है। मेरा रिसेंटली 1 ईयर कम्प्लीट हो चुका है एंड थर्ड टर्म मेरा कोऑप होने वाला है, कोऑप एज इन इट्स इंटर्नशिप। एंड तो बस मैं बस अब 1 साल कम्प्लीट करके देन आई विल बी ग्रेजुएटेड। व्हाट अबाउट द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड विद यू, कौन से सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, कौन से सेमेस्टर में हो गए और किस वजह से हो गए उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ओके, सो बेसिकली कनाडा में ये होता है कि देयर इज वन डे जिस दिन आप टाइम टेबल सिलेक्ट कर सकते हो और अपना सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जनवरी में सेकेंड टर्म का टाइम टेबल सिलेक्शन था एंड मेरे क्लासमेट्स ने और हमने डिस्कस ये किया जो इंडियंस थे कि चलो सब मिलके मैथ्स ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हम सब मैथ्स पढ़ के आए हैं। सो वी ऑल ड्रॉप्ड दैट कोर्स। कोर्स ड्रॉप करना है एज इन तुम वो कोर्स नहीं पढ़ोगे और चलेगा तुम्हारा क्रेडिट अगर कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने वो कोर्स ड्रॉप कर दिया एंड यहाँ पे मिड टर्म होने के बाद आई गॉट टू नो कि वो कोर्स नेक्स्ट टर्म के लिए कंपलसरी था एंड बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट मेरे को स्टडी वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ सकता था, ग्रेजुएशन 1 साल लेट हो सकता था। सो बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताते आता हूँ कि आप अगर कॉलेज में नया एनरोल हो रहे हो तो तभी इंग्लिश और मैथ्स का कोर्स कंपलसरी होता है। तो इस केस में फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें जो मैथ्स का कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया, बट सेकेंड सेमेस्टर में अपने जो खुद के कम्युनिटी के लोग होते हैं उन पे मैं कहता हूँ ट्रस्ट थोड़ा कम करो, क्योंकि इसके बाद जो इंसिडेंट हुआ उस पर आप एक सीख ले सकते हो। जैसे कि उसने उन पे ट्रस्ट करके रजिस्टर नहीं किया, बट लेटर ऑन क्या हुआ उसके बारे में हम इससे ही जानते हैं। ओके, सो मतलब हर कॉलेज का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है इंग्लिश या मैथ्स, और हर सब्जेक्ट का भी रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मैथ्स, मेरा जो मैथ्स था वो नेक्स्ट टर्म के लिए रिक्वायर्ड था। सेम वे अगर अभी के नेक्स्ट टर्म में मैथ्स रिक्वायर्ड नहीं है और वो अभी ड्रॉप कर रहा है तो चलेगा, बट मेरे टर्म में रिक्वायर्ड था एंड मैंने ड्रॉप किया। उसकी वजह से मेरे क्रेडिट तो ऑलरेडी कम्प्लीट हो रहे थे, मेरे क्रेडिट 19 बन रहे थे और मिनिमम रिक्वायरमेंट 16 थी, बट स्टिल मैंने मैथ्स ड्रॉप किया और उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि वो रिक्वायर्ड है नेक्स्ट टर्म के लिए और उसकी वजह से 1 साल मेरा बढ़ रहा था। इन शॉर्ट उसने जो कोर्स ड्रॉप किया तो उसका एक डीमेरिट पॉइंट ये था क्योंकि उसकी नेक्स्ट सेमेस्टर में कोऑप थी और कोऑप के साथ साथ वो मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं ले सकती थी बिकॉज बाकी कोई स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं थे वो सब्जेक्ट चूज करने के लिए, और कोई भी कॉलेज पर्टिकुलर एक बंदे के लिए वो कोर्स वो सेमेस्टर में नहीं एनरोल करेगी या नहीं कंडक्ट करेगी। तो मेन इसका ये डिसएडवांटेज था, इस वजह से शी गॉट स्टक इन सच अ सिचुएशन वेयर उसको इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, उसके बाद उसने सोच लिया कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। इसके बारे में मेरे को आप डिटेल में बता सकते हो? या तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब तुम एक नई कंट्री में आते हो पहले तुम ये ढूंढते हो कि तुम्हें आजू बाजू इंडियंस या तुम्हारी कम्युनिटी के लोग मिल जाए, तुम बात करो, तुम उनके साथ फ्रेंडशिप करो, या तुम्हें ऐसा होता है कि तुम्हें अपनापन चाहिए। बट मैंने वही अपनापन ढूंढने के चक्कर में मैंने उन लोगों पर भरोसा किया। वन थिंग, कभी भी किसी पर भरोसा कर रहे हो करो, आई वॉन्ट से मत करो, बट खुद की रिसर्च करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे करियर की बात है, सो थिंक अबाउट दैट, खुद का रिसर्च करो। मैंने बस उनको सुन लिया और मैंने ड्रॉप कर लिया। एंड मेन थिंग, वो सब लोगों ने सब्जेक्ट वापस लिया था एंड आई गॉट टू नो इट आफ्टर मिड टर्म। आधा सेमेस्टर खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि उन लोगों ने ले लिया है और मुझे बताया नहीं। इन शॉर्ट इसके बाद गेम हो गया था कि लाइक उन लोग ने वो सब्जेक्ट ले लिया बट इसको कहा कि हम लोग ने नहीं लिया है। और आपको ये बात कैसे पता चली कि उन्होंने सब्जेक्ट में एनरोल किया? या सो एक्चुअली बस
बस स्टैंड पे सब लोग बैठे थे एंड सब मिड टर्म की बातें कर रहे थे एंड दे गाइस टॉक्ड अबाउट के मैथ्स की मिड टर्म कैसे गई एंड आई गॉट टू नो के व्हाट तुम लोगों ने मैथ्स लिया है. सो या बहुत बड़ा डिजास्टर है. समझ सकते हो कि जो देखता है उस पे 100% चीज कभी भी सही नहीं होती, तो आप ट्रस्ट मत करना. मेक श्योर करें कि ट्रस्ट करो, बट थोड़ा खुद का भी एक पॉइंट होता है कि खुद डिसीजन लेना भी सीखो. तो ये एक आपके लिए एक सीख थी, तो आई होप सो इस पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल गई होगी. तो बेसिकली इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ आप जब भी गुजर रहे थे और आपको पता था कि थर्ड सेमेस्टर में कोऑप भी कंटिन्यू करनी है, तो आपने क्या एक्शंस लिए सो दैट अभी आप आपकी कोऑप भी कंटिन्यू कर पा रहे हो? ओके, सो बेसिकली जब भी तुम्हें कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होता है यू शुड गो टू योर इंटरनेशनल एडवाइजर, और इंटरनेशनल एडवाइजर से तुम सब शेयर कर सकते हो एंड एवरीथिंग. सो आई मेल्ड माय इंटरनेशनल एडवाइजर और उस टाइम पे मेरे लक इतना खराब था कि शी वाज ऑन अ ब्रेक फॉर 2 वीक्स. सो ऑलमोस्ट सेमेस्टर का एंड आने वाला था. फिर आफ्टर 2 वीक जब वो आए उन्होंने मुझे मेल किया कि तुम्हें मुझे मिलना पड़ेगा. सो वेन आई गॉट टू नो दिस कि मुझे मिलना पड़ेगा, तो मुझे पता चल गया कि मैं पक्का डेफिनेटली बड़ी प्रॉब्लम में पड़ी हूँ. एंड देन आई मेट हर एंड उन्होंने मुझे ये सॉल्यूशन दिया कि एक प्लार करके चैलेंज आता है. इफ़ यू आर टेकिंग दिस प्लार चैलेंज तुम्हें फीस पे करनी पड़ती है. आई पेड $110 फॉर इट एंड वो प्लार अगर तुम लेते हो ये चैलेंज दैट मीन्स कि तुमने ऑलरेडी ये सब्जेक्ट पहले कहीं पढ़ा हुआ है या तो फिर मतलब तुम्हें इसका नॉलेज है एंड दैट इज़ अ चैलेंज. वो तुमको अगर इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट. तो मेरे को तो कुछ पता नहीं है क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा फेल नहीं हुआ है. तो ये प्लार क्या होता है, प्लार चैलेंज क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है आप बता सकते हो? ओके, सो प्लार दैट मीन्स प्रायर लर्निंग, तुमने ये पहले पढ़ा हुआ है. नाउ डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, वो तुमको पोर्टफोलियो दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं. सो मैंने उनको मेल किया एंड मैंने प्लार की फीस पे करी. उसके बाद दे मेल्ड मी कि हम किसी को असेस करेंगे तुमको सजेस्ट करने के लिए कि एग्जाम होगी या असाइनमेंट होगा या क्या होगा. एंड देन आफ्टर 1 वीक ऑफ माय पेमेंट एक है मेरे कॉलेज के प्रोफेसर, उनका मुझे मेल आया कि मैं तुम्हारी असेसर रहूंगी एंड आई विल गिव यू 1 एग्जाम. तुमको मैं एग्जाम सेंड करूंगी और 4 आवर्स में तुमको वो मुझे वापस देना है लिख के स्कैन करके. सो आई वॉज लाइक ओके आई एम प्रिपेयर्ड एंड आफ्टर 1 वीक आई हैव टू गिव एग्जाम. और वो क्लियर करने के बाद वही प्रोफेसर मेरा एग्जाम चेक करेंगे एंड वो मुझे रिजल्ट देंगे. बेसिकली इज इट काइंड ऑफ ऑनलाइन कंडक्टेड एग्जाम और जस्ट लाइक आपको एक टास्क दिया है वो कंप्लीट करके आपको सबमिट करना है? या ओके, सो इट वाज ऑनलाइन एग्जाम. ऑनलाइन एग्जाम एज इन उन्होंने मुझे पेपर पूरा दे दिया, देन आई हैव टू राइट इट डाउन इन 4 आवर्स एंड आई हैव टू गिव इट बैक टू देम और वो पूरा चेक करके दे विल गिव मी द मार्क्स फॉर इट. तो आप वो एग्जाम पास कर लिए, उसके बाद की प्रोसीजर कुछ? ओके, सो एग्जाम कंप्लीट जब हुई मेरी आफ्टर आई गेस 1 वीक उन्होंने मुझे आंसर दे दिया था कि आई गॉट 90% इन एंड या. सो जब आप ये क्लियर करते हो जो परसेंटेज आपको प्लार में मिला है वो डायरेक्टली आपकी मार्कशीट में ऐड हो जाता है फॉर द सेम सब्जेक्ट. लाइक इफ आई गॉट 90% इन प्लार मेरा जो लास्ट टर्म रिकॉर्ड आएगा 90% फॉर मैथ्स. इट्स जस्ट बेसिकली वो आपको इवेल्यूएट करते हैं कि आप कैपेबल हो या नहीं, वो एग्जाम देने के बाद आपकी कैपेबिलिटी क्या है वो कोर्स पास करने की. तो वो हिसाब से आपने आपका एक सेमेस्टर भी बचा लिया, इधर आपको स्टडी परमिट भी एक्सटेंड करना नहीं पड़ा विच इज़ अ गुड थिंग. एंड आफ्टर दैट लाइक इंटर्नशिप में इसके कुछ प्रॉब्लम्स आए वाइल गिविंग द इंटरव्यूज और समथिंग लाइक दैट? नो, मुझे इंटर्नशिप में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए क्योंकि कोऑप इंटरव्यूज में वो लोग सिर्फ हमारा नॉलेज चेक करते थे. सो दे डिडंट आस्क मी कि तुम फेल हो रहे हो. बट हाँ, देयर इज़ वन थिंग, अगर तुम सेकेंड टर्म में मतलब कोऑप के पहले कोई भी टर्म में फेल हो रहे हो तो यू कांट डू द कोऑप. सो यू मस्ट हैव टू कंसिडर ऑल दिस थिंग बिफोर ट्रस्टिंग पीपल्स एज वेल एज टेकिंग डिसीजन. सो मेरा एक ही मोटिव था ये वीडियो का बताने का कि लाइक आप ऐसे लोगों पे ट्रस्ट ना करें और कुछ भी डिसीजन ले रहे हो या रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, खुद का टाइम टेबल बिल्ड कर रहे हो, स्पेशली इंग्लिश मैथ्स और जो जीनेड के इलेक्टिव कोर्स होते हैं उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना बिकॉज ये कोर्स थोड़े पास करना टफ हो जाता है बिकॉज यहाँ का थोड़ा एजुकेशन सिस्टम डिफरेंटली काम करता है. इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ के लेना, आपके सीनियर्स से कॉन्टैक्ट में रहो एज वेल एज जो प्रोफेसर से उनकी हेल्प लो और रिसर्च करो. तुम अपना रिसर्च पहले करो किसी और को सुनने से पहले. एग्जैक्टली. तो ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट अगर आप कॉलेज में या कनाडा में आने के बाद कोई सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है क्या नहीं होती है. आई होप सो आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हो गई होगी. अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करके जाएं एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो
चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन. अंटिल देन कीप वॉचिंग लॉस्ट इंडियन. टेक केयर. बाय बाय. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. वाइप चेक. दुआ में जरूर याद रखना. And yes, do not forget to subscribe my channel. Oh my god, I forgot to mention that ki uska bhi ek YouTube channel hai. Main uski bhi link description mein de deta hu. Zarur jaake check karna. Don't forget to subscribe her channel as well. Bye.